बुमराह की आंधी में उड़ी केकेआर, 17 गेंदों में पलटा मैच का पासा, बुमराह ने 5 विकेट चटकाए, नए नए रिकॉर्ड बनाए। आईपीएल 2022 का 56वां मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी धार और रफ्तार से केकेआर के बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। इस मैच में बुमराह ने वो कमाल कर दिखाया जो इससे पहले वो आईपीएल में कभी नहीं कर पाए थे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बुमराह ने केकेआर को गुमराह किया। बुमराह ने केकेआर की टीम में मचाई तबाही। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की टीम की शुरुआत इस मैच में धमाकेदार रही। वेंकटेश अय्यर और रहाणे ने मिलकर 5 ओवर में 48 रन जोड़ दिए। हालांकि छठे ओवर में वेंकटेश अय्यर 43 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई इंडियंस की टीम को कुछ राहत जरूर मिली। इसके बाद जल्दी ही मुंबई इंडियंस को दूसरी सफलता भी मिल गई जब अजिंक्य रहाणे का विकेट उन्हें मिल गया। केकेआर की टीम ने 11 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि केकेआर की टीम इस मैच में 200 से ज्यादा रनों का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी क्योंकि बुमराह का आना अभी बाकी था। बुमराह आए, विकेट्स लाए। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने आईपीएल करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने इस सीजन के पहले 10 मैचों में सिर्फ 5 विकेट चटकाए थे, लेकिन केकेआर के खिलाफ मैच में बुमराह अलग ही मंसूबे लेकर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने अपनी 17 गेंदों में ऐसा गदर मचाया जिसे केकेआर का खेमा सहन ही नहीं कर पाया। 17 गेंदों की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस मैच में बुमराह का प्रदर्शन देख लीजिए। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने केकेआर के बल्लेबाजों को गुमराह करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और 5 विकेट भी चटकाए। खास बात यह है कि इन 5 विकेट्स में एक ट्रिपल ओवर मेडन विकेट भी था, तो आप समझ सकते हैं कि इस मुकाबले में बुमराह ने कैसी तूफानी गेंदबाजी की होगी और केकेआर के बल्लेबाजों के नाक में दम किया होगा। इन 5 विकेट्स में बुमराह ने आंद्रे रसल और नीतीश राणा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और केकेआर के खेमे में खलबली मचाई। चलिए आपको बताते हैं उन 17 गेंदों की कहानी जिसमें बुमराह ने मैदान पर तबाही मचाई और केकेआर की टीम की शामत आई। बुमराह ने 17 गेंदों में मचाई तबाही। बुमराह ने पारी के 15वें ओवर और अपने दूसरे ओवर से तबाही की शुरुआत की जब उन्होंने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर आंद्रे रसल को अपना शिकार बनाया। फिर इसी ओवर में बुमराह ने नीतीश राणा को भी तेज रफ्तार और उछाल से छकाते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बुमराह फिर 18वें ओवर में दोबारा आए और उनका ये आईपीएल का अभी तक का सबसे बेस्ट ओवर था। इस ओवर में बुमराह ने शेल्डन जैक्सन, पैट कमिंस और सुनील नरेन को आउट किया। हालांकि वो हैट्रिक से चूक गए, लेकिन ये ओवर मेडन भी रहा और इस तरह से बुमराह ने अपने आईपीएल करियर का सबसे बेहतरीन ओवर फेंका। ये ओवर ट्रिपल विकेट मेडन ओवर रहा। इसके बाद पारी के आखिरी ओवर के लिए भी बुमराह को गेंद थमाई गई और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। इस तरह से बुमराह ने स्लॉग ओवर्स में सिर्फ 5 रन दिए और 5 विकेट लेकर केकेआर की पारी को तबाह कर दिया। बुमराह के इस शानदार स्पेल की मदद से मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता को सिर्फ 165 रनों पर रोक दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि इस मैच में केकेआर की टीम 200 रन तक बना लेगी। इस मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर की टीम 200 से ज्यादा रनों का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन बुमराह ने अपनी धार और रफ्तार से केकेआर के बल्लेबाजों को गुमराह किया और केकेआर की टीम को सिर्फ 165 रनों पर रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस की टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाई, लेकिन बुमराह की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बुमराह ने इस मैच में 5 विकेट चटकाए हैं, क्या ये गेंदबाज एक बार फिर से रंग में लौट आया है? क्या बुमराह की फॉर्म वापस आ गई है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ खेल जगत की ताजा अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज क्रिकेट सूत्रा को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।